हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा मॉडल सोलर कुकर का बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक खाली डिब्बा, ब्लैक चार्ट पेपर, पैकिंग पेपर, कांच का टुकड़ा, गोंद, टेप और कैंची। तो फ्रेंड्स, मॉडल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक शूज का खाली डब्बा लेते हैं। उसके बाद एक पैकिंग पेपर फॉइल, एक कांच का टुकड़ा, और इसके अंदर अपने को चाहिए टेप, ब्लैक चार्ट पेपर इस प्रकार का, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है, कैंची और गोंद। तो ये जो चीज़ें आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है, तो इसका हम एक सिंपल सा मॉडल बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, और हमें जो घर के अंदर उपलब्ध सामग्री है उससे अपने आसानी से ये मॉडल बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो ये ब्लैक चार्ट पेपर है, इसको डिब्बे के अंदर की जो दीवारें हैं उसमें चारों तरफ इसको लगा देंगे। तो इसके लिए अपने इसको कैंची से काटकर गोंद या टेप की सहायता से जो अंदर की चारों दीवारें हैं और इसका जो बेस है उस पर चिपका देते हैं। यहाँ हम ब्लैक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैक रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हम जानते हैं कि जो ब्लैक रंग है वो प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है, वहीं जो सफ़ेद रंग है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। इसलिए हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र जो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें गर्मी नहीं लगती है। गर्मी नहीं लगने का कारण यही है, जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है। लेकिन अगर कलर ब्लैक है यानी काले रंग का है, तो वह क्या करता है, जो भी प्रकाश उस पृष्ठ पर आपतित होगा वो उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो सोलर कुकर के अंदर भी हमें तापमान को बढ़ाना है, इसलिए हम अंदर की जो दीवारें हैं वो ब्लैक रंग की, आप ब्लैक रंग भी कर सकते हैं, मेरे पास चार्ट है तो मैं चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम एक सिंपल मॉडल जो सोलर कुकर का है वो बनाएंगे। बॉक्स के अंदर जो चार्ट पेपर है, मैंने इनको कैंची से इस प्रकार काट लिया है। अब हम इन कटे हुए चार्ट पेपर को टेप रोल या गोंद की सहायता से अंदर की जो दीवारें उनमें चिपका देंगे। इस प्रकार से हम ब्लैक चार्ट पेपर को डिब्बे के अंदर लगाते हैं। अब जो एक कांच का टुकड़ा हमने लिया है, इसको इस डिब्बे के ऊपर टेप की सहायता से इस प्रकार लगा देते हैं। इस कांच के जो टुकड़ा है, इसका काम ये रहेगा भी जो भी इसके अंदर प्रकाश बॉक्स के अंदर प्रवेश करता है तो वह प्रकाश वापस बाहर नहीं आएगा, यानी जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए इस कांच के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, हमने सुना है, उसमें कांच के घर होते हैं, तो उनका काम क्या होता है,
जो भी प्रकाश उनमें प्रवेश करता है तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और वह टेम्परेचर या अंदर का जो तापमान है वो बाहर के वातावरण से ज़्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऊपर के भाग में अपने जो पैकिंग पेपर फॉइल आता है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर अपने मिरर भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया कि हम एक सिंपल मॉडल सोलर कुकर का बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ऊपर के हिस्से के लिए पेपर जो ये फॉइल है पैकिंग पेपर इसका इस्तेमाल किया है। इसका काम प्रकाश को परावर्तित करके बॉक्स के अंदर प्रवेश कराना होगा। इस प्रकार हमारा सोलर कुकर का जो मॉडल है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे हम धूप में रख देंगे। इसके अंदर हम ब्लैक रंग का कोई भी बर्तन इसके अंदर रखेंगे। इसमें हम कोई भी जैसे दूध है, पानी डालकर आप कोई चीज़ डाल दें तो वह धूप के कारण यानी सूर्य के जो गर्मी है उसके कारण वो पक जाती है, इसलिए इसे सोलर कुकर अपने आदत कहते हैं। ये तो एक मॉडल है, इसका अपने बड़े रूप में भी मॉडल बना सकते हैं। उसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको धूप में रख दिया है। कुछ देर के बाद जो इसके अंदर हमने बर्तन रखा है उसके अंदर मैंने पानी डालकर कुछ सेवइयां डाली है तो वह पक जाती है। तो आप भी इस प्रकार से एक सिंपल मॉडल जो है सोलर कुकर का बना सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साइंस से संबंधित इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।